It's good afternoon, क्लास। और तो अभी बहुत कम बच्चे लोग हैं, लेकिन क्या करें। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे, कोई मुझे बताएगा क्या? और अनुज भारती, तुम हैंड रेज करो अपना। अनुज भारती, रेज योर हैंड। अनुज भारती, अगर तुम सुन पा रहे हो तो हैंड रेज करो। अनुज भारती, तुम क्लास में हो? अनुज भारती, आर यू देयर इन द क्लास? अनुज, आर यू देयर इन द क्लास? अनुज भारती, इसीलिए इसको हम अलाउ नहीं किए थे क्लास। सुजय सिंह, बैच वन, रोल नंबर 39। सुजय सिंह, कैमरा ऑन ऑन कर लो जी। सारे लोग कैमरा ऑन ऑन कर लो। महिका राज, आर यू देयर इन द क्लास? महिका, आर यू देयर इन द क्लास? कुमारी सिमरन, आर यू देयर इन द क्लास? कुमारी सिमरन, आर यू देयर इन द क्लास? समर रिजवान, समर रिजवान, आदित्य सिंह, बैच 2101, आदित्य सिंह, रौनक सिंह, कैमरा ऑन कर लेना रौनक बाबू, अगले बार से दिक्कत है। प्रणव प्रियेश, बैच 1, रोल नंबर 4। अभिषेक कुमार, कैमरा दोबारा से बोलना ना पड़े, ध्यान रखना। प्रीति कुमारी, बैच 2, रोल नंबर 33। प्रीति कुमारी,
जो भी रीज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि योर कैमरा इज स्विच्ड ऑन। लास्ट क्लास में क्या हुआ था जी, बताओ फटाफट। बोलो सर, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कंप्लीट हो गया था सर, एएफसी पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में एएफसी। लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। Full stop. The concept of average fixed cost, the concept of average fixed cost is only applicable in the short run and is a component of And is a component of is only applicable in the short run and is the component of short run average cost and is the component of short run average cost. Full stop. Formula likhiyega. AFC is equal to AC minus ABC और दूसरा फॉर्मूला है TFC by Q. हम लोग को आउटपुट समर रिजवान का जब कैमरा ऑफ था, जब 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 नाम नाम इतनी बार बुला रहे थे तो उसको हैंड तो रेज करना चाहिए था ना कम से कम। हाँ बोलो ज्योति। ज्योति बोलो, रिज्वाइन करो।
आउटपुट उसके बाद टीएफसी और एएफसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टीएफसी सब में 10 है एएफसी का वैल्यू निकालना है एफसी का वैल्यू यहाँ पे डैश 10, 5, 3.33, 2.5, 2, 1.67 और 1.43 ये इसका वैल्यू आएगा अब हम लोगों को बनाना होगा एएफसी का कर्व अरे तो उसको बोलो ना ज्वाइन करेगा उसको बोलो ज्वाइन करेगा अब एएफसी का कर्व बनाना है हम लोगों को 10-10 का गैप लेते हुए सॉरी 10 नहीं 1 का गैप लेते हुए 1 ओनली 1 और 10 तक जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एएफसी और इधर आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एएफसी का कर्व बनाओ फटाफट हाँ रवि बोलो सर बैक कीजिए क्या थोड़ा सा सर ये एएफसी इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू के बाद क्या लिखाए थे सर वो थोड़ा सा मिस हो गया सर
करवाया क्या? किस तरीके से करवाएगा? बोलो यासिर, यासिर बोलो। ऐसा करवाया सबका? यहाँ पे AFC लिखना है, AFC लिखिए। The AFC curve is starting from its maximum and is falling and is continuously falling and is continuously falling with every rise in is continuously falling with every rise in the level of output the falling AFC curve the falling AFC curve will never touch the x-axis will never touch the x-axis because AFC is obtained from TFC because AFC is obtained from TFC and TFC can never be zero and TFC can never be zero फुल स्टॉप। नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। द AFC कर्व इज इन द नेचर ऑफ इज इन द नेचर ऑफ a rectangular hyperbola that is The rectangles form on joining the points of AFC curve on joining the points of AFC curve to X and Y axis X and Y axis have same area मतलब कि अगर आप किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे एक रेक्टेंगल बनेगा
सभी रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ये क्या शो कर रहा है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि AFC curve is a rectangular hyperbola। अब एरिया सेम क्यों होगा, आइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल पे हम लोगों ने क्या लिखा है, AFC लिखा है, और ब्रेथ में हम लोगों ने क्यू लिखा है, तो AFC इंटू क्यू बराबर क्या होगा, TFC होगा। और TFC हमेशा क्या रहता है, TFC हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए जो भी रेक्टेंगल बनेगा AFC कर्व के पॉइंट्स को Y और X एक्सिस पे मिलाने से सभी कर्व का जो रेक्टेंगल होगा वो सेम होगा, और इसीलिए AFC कर्व को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। AFC कर्व अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, तेजी से फॉल करेगा जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे, लेकिन ये कितना भी फॉल करे ये कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि AFC का डेरिवेशन कहाँ से होता है, TFC से होता है, और TFC का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, द वैल्यू ऑफ TFC कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Average variable cost. लिखिए, average variable cost is defined as, average variable cost is defined as the variable cost per unit of output produced, the variable cost per unit of output produced, full stop. The concept of AVC along with AFC forms the part of average cost, forms the part of average cost. Stop, formula likhega, AVC is equal to, dusra formula, TVC by Q. अब हमारे पास तीन कॉलम होगा,
11.57 हो रहा है तो अब हम लोग को एबीसी का कर्व बनाना है और रेंज रेंज वही रहेगा, एक एक का गैप लेते हुए हम लोग को जाना है, 12 तक जाएंगे। एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे एबीसी को और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जल्दी बनाइए। इसका जो कर्व आएगा 10 वैल्यू क्या है इसका देखते हैं, तब तो 10 से है 8, 7.5 मिनिमम। ऐसे ही आया क्या कर्व? कर वैसे ही आया क्या क्लास? कुछ स्टूडेंट्स है जिसको मैंने परमिशन नहीं दिया है, लोग काफी लेट आए थे, लगभग 2:30 बजे, 2:32 मिनट पे। कुछ लोगों का तो ये रोज का है, अनामिका है उसमें, स्तुति है, हरप्रीत का भी वही है,
हर्ष राज का भी वही है, इन लोग को इन्फॉर्म कर देना ये सारे लोगों को, दे आर वेटिंग इन इन द रूम बट दे हैव नॉट बीन गिवन प्रॉब्लम बिकॉज ये उनका रेगुलर प्रैक्टिस है लेट आने का। कर वैसे ही आया है, कोई बताएगा मुझे हाँ या ना? मिलिंद बताओ जी क्या आया है? सर ऐसी आया है। ठीक लिखना स्टार्ट करो। द एबीसी कर्व इज The ABC curve is U-shaped. The ABC curve is U-shaped. That is, it is initially falling that is It is initially falling and after reaching its minimum, the ABC curve is rising or positively sloped. It's rising or positively sloped. Stop. This nature of ABC curve may be attributed to the law of variable proportion. अब आगे लिखिएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। लिखिए The short run average cost is defined as per unit cost of production for a given capacity of output
नीचे लिखेगा एसी इज इक्वल टू टीसी बाई क्यू, एसी इज इक्वल टू टीसी बाई क्यू। अब इसके नीचे लिखेगा डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। आगे लिखिए वी नो दैट in the short run TC is equal to on dividing both sides of the equation by Q, we get on dividing both sides of the equation by Q, we get क्या मिलेगा देखिए टी सी बाई क्यू इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू, क्योंकि टीएफसी और टीबीसी दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं टी एफ सी बाई क्यू प्लस टी वी सी बाई क्यू, और इसको अगर ब्रेक करेंगे टी सी बाई क्यू से तो क्या होता है ए सी होता है, टी एफ सी बाई क्यू बराबर क्या होता है ए एफ सी होता है, और टी वी सी बाई क्यू बराबर क्या होता है ए बी सी होता है। तो ए सी को निकालने का दो फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया और इसके पहले वाला जो था ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, दिस इज वन एंड दिस इज टू। हो गया क्या, लिख लिए? ठीक है, तो हम लोग अब सेशन को एंड करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, और अटेंडेंस के लिए सबको वेट करना थोड़ा, लेट मी चेक, लाइव तो हो नहीं रहा, रिकॉर्डिंग ही हो रहा, बोलने की आदत थी इसके वजह से बोल दिया, लाइव नहीं हो रहा।